गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लॉक का जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। ये आता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 को क्लॉक विल हैंड्स ऑफ द क्लॉक कूल इनसाइड। 3 और 4 के बीच में हैंड्स ऑफ द क्लॉक मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड कितने मिनट पे कोइंसाइड कर जाएंगे 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में अगर कोइंसाइड करेंगे 3:15 होगा, ऐसा नहीं 15 पे कोइंसाइड करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, आप तुरंत वहां तक पहुंच जाएंगे। जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक ही लगाना। ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बना हुआ है, उससे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। एंगल इज इक्वल टू 30 आवर माइनस 5.5 मिनट। एंगल इज इक्वल टू 30 आवर माइनस 5.5 मिनट। एंगल जब कोइंसाइड करेंगे दोनों तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया और यहां हो जाएगा 30 into आवर जिससे स्टार्ट हो रहा है। 3 से पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो पहला स्टार्टिंग आवर क्या है? 3 है, इंटू 3 माइनस 5.5 मिनट। मिनट ही फाइंड करना है। अब ये देखिए 30 33 90 हो जाएगा, ये इस साइड चला आएगा तो ये जाएगा 5.5 मिनट इज इक्वल टू 90। यहां से मिनट की वैल्यू हो जाएगी 90 अपॉन 5.5। पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 900 अपॉन 55। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 से 11 टाइम जाएगा, 5 on the 5 180 by 11। अब इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 11 से डिवाइड कर दीजिए 180 को, 11 7 आया, 11 6 66, ये आ जाएगा 4। तो आ जाएगा आपका 16 whole 4 by 11 मिनट। यानी 3 और 4 बजे के बीच में 16 is to 4 by 11 मिनट के बाद आवर एंड और मिनट हैंड एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इस पे और भी बेस्ट क्वेश्चन अभी बताते हैं और उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा इससे। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को एट व्हाट टाइम बिटवीन, यहां ले लेते हैं 5 and 6 o'clock will hands of the clock at right angles, at right angle। अब पूछ रहा है 5 और 6 बजे के बीच में हैंड्स जो होंगे क्लॉक के वो राइट एंगल कब होंगे? कितने मिनट के बाद 5 और 6 बजे के बीच में दोनों क्लॉक दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगी। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर इसको फॉर्मूले से समझा रहा हूं, फिर इसको समझाऊंगा भी कैसे हो सकता है। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 30H माइनस 5.5 मिनट। A एंगल 90 डिग्री बनाना है तो A की वैल्यू 90 हो गई। कहां से आवर स्टार्ट हो रहा है? 5 से, तो 30 into 5 minus 5.5 m। 35 जो 150, ये हो जाएगा 5.5 m इज इक्वल टू 150 minus 90 इज दैट 60। और मिनट की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 5 11 जा 5 1 जा 5, ये आ गया 120 by 11 मिनट। यानी 120 by 11 मिनट के बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 whole 10 by 11। इतने मिनट के बाद दोनों सुइयां राइट एंगल पे होंगी। वैसे 5 और 6 के बीच में मैं बताता हूं, 2 बार सुइयां राइट एंगल पे होंगी। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये आंसर हमारा आ गया। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपका 5 बज रहा था, सपोज दैट 5 बज रहा था आपका, ठीक है। बड़ी वाली सुई जब यहां से 1 पर आएगी, सॉरी 1 के बाद 2 पे आएगी, ठीक है, जब 2
बीच में 90 डिग्री बनेगा, बनेगा 5 और 2 के बीच में 90 डिग्री बनेगा, बनेगा ना। इसी तरह जब 8 पर आएगा तो 5 और 8 के बीच में फिर 90 डिग्री बनेगा, हर 15 मिनट में 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है। तो यहां देखिए, ये दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप है, तो 15 × 6 यानी 90 डिग्री, हर 15 मिनट पे ये 90 डिग्री बना रहा है, 2 और 5 के बीच में ये 90 डिग्री बना रहा है। तो इसके लिए सॉल्व करने का तरीका है 60/55, और 10 मिनट में था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 600/55, 5 11 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 120/11, यहां से भी आ गया। और देखिए एक बार और बनेगा, 5 और 8 के बीच में भी बनेगा, तो 60/15 ये कितने मिनट पे है, 12 से यहां से काउंट करिए 8 तक 40 मिनट हुआ, 40 से गुणा करिए, दो आंसर आएंगे इसके। इससे तो मेरा फॉर्मूले से एक ही आंसर मिला, लेकिन इस लॉजिक से दो आंसर आएंगे। 60/55 40वें मिनट पे भी 5 और 8 के बीच में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40, कैंसिल कर दीजिए 5 8 जा 5 11 जा 11 से कैंसिल होगा नहीं, ये आ गया 240 और अपॉन 11, इतने मिनट पे भी 90 डिग्री बनाएगा। तो आप तो एग्जाम के बेसिस पे इसी को यूज कर सकते हैं, यही आपका आंसर मिल जाएगा 120/11 मिनट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लीजिए फिर नोट भी कर लीजिए। आज सेकंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें हो गया, 90 डिग्री बना रहा था इसलिए ए की वैल्यू 90 डिग्री ले लिया, कोइंसाइड करता है तो ए की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है, बस यही ध्यान में रखना है। और अगर 180 डिग्री बनाता तो दोनों सुइयां स्ट्रेट हो जाती, तो ए की प्लेस पे 180 डिग्री लिख देते हैं, बस यही ध्यान में रखना है। इसको भी एक बार लॉजिक देख लीजिए, 5 और 10 के बीच, 5 10 अगर होता तो 2 और 5 के बीच में 90 डिग्री बनता, क्योंकि मिनट वाली सुई 15 मिनट में 90 डिग्री ट्रेवल करती है। फिर 5 और 8 के बीच में होता तो भी 90 डिग्री बनता, क्योंकि 5 और 8 के बीच में 15 मिनट का गैप है, 15 6 90 डिग्री वहां भी बन रहा है। तो 60/55 से हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 60/55 वहाँ 10 मिनट हो रहा था, 5 12 से लेके 1 2 10 मिनट हुआ, तो 60/55 × 10 कर दिया तो 120/11 मिनट आया। यहाँ पे भी यहाँ पे 40 मिनट हो रहा था 12 से लेके 8 तक, तो 60/55 × 40 कर दिया, दैट्स इट।